रायबरेली की सदर तहसील में अधिवक्ताओं और लेखपालों में जमकर बवाल हुआ। सदर तहसील में धान का सत्यापन कर रहे लेखपाल के पास एक अधिवक्ता पहुंचा और सत्यापन करने की बात कही तो लेखपाल ने सिस्टम फॉलो करने की बात करते हुए बाहर खड़े एक दलाल पर इशारा किया। जब सिस्टम डिकोड हो गया तो अधिवक्ता सिस्टम फॉलो करने से मना कर दिए, जिसके बाद दोनों में कहासुनी शुरू हुई और मारपीट तक पहुंच गई। जैसे ही मारपीट की बात सामने आई, अगल बगल काम कर रहे अन्य लेखपाल इकट्ठा होकर अधिवक्ता पर बरस पड़े। आरोप है कि एसडीएम सदर जीतलाल सैनी अधिवक्ताओं और लेखपालों को समझाने बुझाने के बजाय उनसे ही लड़ पड़े। इतना ही नहीं, जीतलाल सैनी के अंग रक्षकों ने भी अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता शुरू कर दी। यादव जी हैं, उनके साथ कुछ लेखपालों ने मारपीट की और एसडीएम सदर जीतलाल सैनी व उनके होमगार्ड ने भी मारपीट की है। उसी बात को लेकर हम लोग जिलाधिकारी से मिले हैं। काफ़ी वार्ता हुई है लेकिन भी कोई सार्थक निर्णय नहीं हुआ है, उसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? जिलाधिकारी काफ़ी हद तक बात मानने को तैयार हैं। कुछ समस्याएं हैं, वो अपने अधिवक्ता भाइयों से बात कर लें, चर्चा के उपरांत फिर निर्णय लेंगे। आखिर क्यों मारपीट हुई, ऐसा क्या मामला लेखपाल के सामने आया या अधिवक्ता? जो हमें जानकारी हुई है कि हमारे वकील साहब धान की पर्ची चुकी लेकर कोई रिपोर्ट लगवाने गए थे, उसी में उन्होंने कहा कि सिस्टम से आइए, तो उन्होंने पूछा सिस्टम क्या होता है, तो कोई वहाँ पर उनका दलाल टाइप आदमी था, कहीं उससे मिलिए तब फिर हमारे पास आइए, उसी बात को लेकर तूतूमाई हुई और झगड़ा हुआ। बताया जा रहा है कि जीतलाल सैनी ने कुछ अधिवक्ताओं के मोबाइल भी छीन लिए, जिसके बाद अधिवक्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी नगर वंदना सिंह भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाने बुझाने का सफल प्रयास करती रही। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया, लेकिन अधिवक्ता एसडीएम के स्थानांतरण के साथ साथ आरोपी लेखपाल पर केस दर्ज कराने के लिए अड़े रहे। अभी ऐसा संज्ञान में आया है कि यहाँ जो रेवेन्यू स्टाफ था उसके साथ में अधिवक्ता बंधुओं का कुछ वाद विवाद हुआ है और अधिवक्ता बंधुओं के जो बिंदु थे उनको सुन लिया गया है। साथ ही साथ जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के उन कर्मचारियों से भी अभी पूछताछ जारी है। दोनों के मध्य में अगर किसी प्रकार के किसी की तरफ जो गलती की गई होगी उसमें नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही साथ इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि आगे से इस तरह की कोई जो है गलतियां ना हो, चाहे वो अधिवक्ता पक्ष हो चाहे हमारा रेवेन्यू पक्ष हो। अभी दोनों पक्षों की बातें सुनने के उपरांत ही इसमें कोई आगे कार्रवाई की बात। रायबरेली से आरबीएल हिंदी न्यूज़ के लिए आशुतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।